माघ मकर रवि गति जब होई तीर्थ पति आव सब कोई मज्जन कर फल पे खिय तत्काला काक होई पिक बकु मराला गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख कर निहरन सब सूला प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला आस्था का मेला माघ मेला कोरोना महामारी के बीच गुरुवार से संगम की रेती पर शुरू हो गया है। संक्रमण और ठंड और कोहरे पर आस्था भारी पड़ रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुण्य की डुबकी लगाती नजर आई। माघ मेला के पहले स्नान पर्व यानी मकर संक्रांति पर संगम सहित गंगा और यमुना के सभी स्नान घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के समय संगम और आसपास के घाटों पर श्रद्धालु कम नजर आए, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। सूला तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर माँ गंगा की गोद में आज डुबकी लगाने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मकर संक्रांति का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। जो भी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा के भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं उनके शरीर की समस्त आपदाएं समाप्त होंगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, वृद्धि होगी, रक्षा होगी, समृद्धि होगी, कल्याण होगा और जो भी इच्छा लेकर के आए हैं यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम अवश्य ही आज माँ में डुबकी लगाने से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, पितरों को मोक्ष होता है और साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थियों को धन प्राप्त होता है, पुत्रार्थियों को पुत्र प्राप्त होता है तथा जो लोग भी जो जो इच्छा लेकर के आते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में आज डुबकी लगाने से सहस्त्रों यज्ञों का फल भी प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य ही माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें। हाँ हाँ शिव योगी बौनी स्वामी अमेठी। यूपी के प्रयागराज में संगम के तट पर माघ मेला लगा हुआ है। घने कोहरे के बीच श्रद्धालु मकर संक्रांति पर्व पर संगम स्नान को पहुंच रहे हैं। 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात, सभी का कोविड टेस्ट कराया गया है। देखिए आज मकर संक्रांति का प्रथम स्नान प्रारंभ हो चुका है और काफ़ी श्रद्धालु स्नानार्थी इस वक्त संगम पर मौजूद हैं और स्नान कर रहे हैं। उनके आवागमन के लिए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और सुगम उनका आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे कि उनको श्रद्धालुओं को घाट तक स्नान घाट तक पहुंचने में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसी क्रम में आपने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी आकर संगम में स्नान का लाभ ले रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रवेश मार्गों से लेकर सभी मार्गों पर स्नान घाटों पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो हमारी फ्लड कंपनीज हैं उनके जवान, उनके गोताखोर सारे स्नान घाटों पर हैं। रिवर लाइन और डीप बैरिकेटिंग वाटर में भी की गई है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए और किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल उसको उस पर प्रतिक्रिया करके उसको निपटा जा सके। साथ ही साथ पूरा जो माघ मेला क्षेत्र है ये 100 से अधिक CCTV कैमरों से आच्छादित है। हमारा जो सेंट्रली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम है सक्रिय है, वहाँ पर एडिशनल SP रैंक के अधिकारी लगातार नज़र रखे हुए हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो श्रद्धालु हैं अगर कहीं किसी स्थिति में अधिक संख्या होती है तो उसी के हिसाब से डाइवर्जन प्लान्स आदि लागू किया जाना प्रस्तावित है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसी के साथ देवताओं के दिन शुरू होने से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्य देव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ के दौरान जल, लाल पुष्प, फूल वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद लोग गरीबों या जरूरतमंद को दान देते हैं। मकर संक्रांति का शुभारंभ 8:16 पर आज प्रारंभ हो रहा है। यह उत्तरायण पर्व है। सूर्य देव बृहस्पति के साथ शनि के साथ 5 ग्रहों का योग बनाते हुए आज मकर संक्रमण करेंगे। यह तिथि हमारे लिए पिछले 5 मास से इंतजार के बाद प्राप्त हुई है। यह पुण्य का पर्व है। यह स्नान का लाभ प्राप्त करने का
पर्व है। आज दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। हम जो समर्थवान हैं वो अन्न दान करेंगे, रत्न दान करेंगे, तिल का दान करेंगे, गुड़ का दान करके सभी देवताओं को प्रसन्न करेंगे। जिसकी सामर्थ्य न हो वो केवल त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धा दान करे, पुष्प दान करे, आस्था का दान करे, धार्मिक पुस्तकों का दान करे तथा अपने मंत्रों को यहाँ पर सिद्धि के लिए जप करे। रोग के निवारण के लिए यह बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। काल सर्प दोष इस समय व्याप्त है भचक्र में तथा सूर्य के साथ पांच ग्रहों की सीधी पूजा आज की जा सकती है। ज्योतिषीय बिंदु को अगर हम ध्यान में रखें तो आज का दिन पुण्य प्राप्त के साथ साथ मुक्ति प्राप्त का भी यह अवसर है। प्रयाग क्षेत्र में गंगा का स्नान सभी तीर्थों के साथ एक साथ मिल जाता है, जो कि माघ मास के आते ही मकर में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ पर सारे देव, धनुज, दानव, किन्नर तथा 36,000 तीर्थ यहाँ पर अप्रकट रूप में विद्यमान होते हैं। वो यहाँ पर देव यजन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा हर तरह के जन कल्याण के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। हम यहाँ आकर के सारा पुण्य, सारा लाभ, सारा अवसर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए आज तिल से हवन करने से, तिल के दान करने से, तिल के तेल से स्नान करने से, तिल के उपटन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगर उसके साथ गुड़ भी मिला दिया जाए तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसलिए तिल के बने हुए वस्तुएं दान में देने से, खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व है। श्रद्धालु कोरोना संक्रमण से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। आधी अधूरी तैयारियों के बीच पहले स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। मेला क्षेत्र में साधु संतों के पंडालों में भजन पूजन का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे माघ मेला 27 जनवरी के आसपास रंग में आता है। 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और इस दिन से एक महीने का कल्पवास शुरू हो जाता है। आज का दिन ऐसा शुभ दिन है कि आज के दिन से हिंदू धर्म विधा के हिसाब से तमाम ग्रह नक्षत्र जितने अपने 12 ग्रह हैं सब अपनी अपनी स्थिति और पोजीशन बदलते हैं और आज जो है प्रयाग क्षेत्र का एक मुख्य स्नान है संक्रांति। बहुत बड़ा ही पर्व है और इसको नहाने से कोटि कोटि पाप आदमी कट जाते हैं, इसीलिए संक्रांति है। और यहाँ आज खिचड़ी का दान दिया जाता है, काला तिल का दान दिया जाता है और उसके बाद ही आदमी कुछ अन्न पास ग्रहण करता है और सूर्योदय से पहले जितना स्नान होता है उतना ही ज़्यादा पुण्यदायी है। और उसके बाद में स्नान तो चलता ही रहता है, दोपहर के पूर्व 12 बजे पूर्व तक स्नान मुख्य स्नान माना जाता है और 12 बजे के बाद ऐसे तो पूरा दिन स्नान चलेगा, लेकिन अभी जो सूर्योदय के काल में वो स्नान मुख्य स्नान होता है। और आज के दिन दूर दूर से श्रद्धालु लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ कहीं आपको कोरोना के कोई लोगों का खौफ नहीं है। आज कोरोना के ऊपर धर्म हावी हो चुका है। मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल, कुंडा तहसील के रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ कुंडा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की वजह से तिथि बड़ी है। सारे कल्पवासियों के आने के बाद ही मेले में रंगत नजर आती है। स्नान के लिए संगम पर करीब 1 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है। स्नान घाटों पर पुलिस अलर्ट है। हर हर गंगे जय मां गंगे के जय घोष के साथ मकर संक्रांति पर्व का पुण्य प्राप्त करने को गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं मेला प्रशासन की ओर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तजनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं कि निरंतर 3, 3:30, 4 बजे से ही भीड़ का अनवरत फ्लो जारी है। स्नान हम लोग का चल रहा है सुचारू रूप से और अनुमानित भीड़ के में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, खुद देख रहे हैं। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भीड़ परंपरागत रूप से जितनी आती रही है वो हमेशा से वही आएगी भीड़, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। कोविड काल में माघ मेले का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं मेला प्रशासन की और किस तरीके के निर्देशन दिए? हम लोगों ने सर्कुलेटिंग एरिया को और बेथिंग एरिया, बेथिंग जो घाट्स है इसको बढ़ोतरी की है। कुल करीब हम लोगों ने मिला के 6,000 फीट के आसपास
घाटों का निर्माण किया गया है। उनके सापेक्ष करीब 250 से 300 फीट की प्रत्येक सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप किया है, जिससे आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका स्नान भी हो सके और परंपराओं का निर्वहन भी हो सके।